हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष सिंह और आपका स्वागत है आज के ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड को आसानी से मिडी कंट्रोलर के रूप में कैसे यूज़ करें। तो ये बहुत ही आसान है एफ एल स्टूडियो में, आपने पहले सुना भी होगा, मैं इसके डिटेल्स को बताने वाला हूँ और ये कितने आसान है ये भी बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, और यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत सारे और भी ट्यूटोरियल्स एफएल स्टूडियो के ऊपर में लेके आने वाला हूं और आप बहुत ही आसानी से इसे समझ सकेंगे। तो चलिए, एफएल स्टूडियो में एक ऑप्शन होता है, अगर आप यहां पे जाएं ऊपर की तरफ तो यहां देख सकते हैं टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो कीबोर्ड का ऑप्शन है। अगर ये डिसलेक्ट है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप अपने कीबोर्ड को यूज़ कर सकेंगे। और यहाँ पे अगर राइट क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बेस नोट का ऑप्शंस है C3, C4, C5 और फिर यहाँ पे पियानो है और FPC, ये दो चीज़ें हमें यूज़ करनी है। अगर आप पियानो के रूप में बजाना चाहते हैं तो पियानो को सेलेक्ट कर लें, या फिर आप अपने ड्रम्स को बजाना चाहते हैं FPC को यूज़ करना चाहते हैं तो FPC को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, नोट्स कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। तो हम अगर सेटिंग्स में जाएं, सपोज मैंने कॉर्ड्स को लिया हुआ है, यहां से मैं अगर सेटिंग्स में जाऊं तो और जेड को प्रेस करूं यहां पर अपने कीबोर्ड के ऊपर तो आप देखेंगे C3 प्ले हो रहा है, मतलब कि ये नोट जो है ये सी है। ओके, तो यहां से शुरू करके यहां तक हम प्ले करेंगे तो C D E F G A B C, ओके। और अगर हिंदी में बोलें तो सारे गामा पादा निशा, ओके। तो सा से सा तक ये एक ऑक्टेव आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये फ्लैट नोट्स हैं और दो नोट एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलते हैं ताकि आपको ऊपर न जाना पड़े किसी सॉन्ग को प्ले करने के लिए। तो ये नोट जो है ये जो है सा से सा तक, तो यहाँ ये जो नोट है ना इसको याद रखिएगा कि ये जो है और ये क्यू कॉमा और क्यू दोनों सेम होते हैं, क्योंकि ये अगेन सा हो गया तो ये अगला ऑक्टेव यहाँ से शुरू होता है। तो ये यहाँ जेड C3 था तो ये क्यू C4 होगा और फिर ऊपर भी ऐसे ही बजेगा। ओके, सारे गामा पादा निशा, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आपको सा के बाद 1 2 3 4 चार नोट एक्स्ट्रा मिलते हैं यहाँ पे बजाने के लिए। तो इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में आप कोई भी सॉन्ग आसानी से बजा सकते हैं जनरली, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये तो फ्लैट नोट्स हैं सारे, ये जो जेड से शुरू होता है और क्यू से शुरू होता है, और बीच वाले जो हैं ये शार्प हैं। सी जो है फ्लैट था, सी फ्लैट, तो ये सी शार्प। ओके ओके, तो यहाँ पर सारे ऐसे प्ले कर सकते हैं। और फिर नीचे आना जब है तो याद रखिएगा कि एडजेसेंट नोट नीचे वाला नहीं लेंगे, थोड़ा एक भाद वाला लेंगे। ओके, सारे और घ के लिए ये नहीं ये लेंगे। ओके, वैसे ही यहाँ पे सारे ग म प ध और नी के लिए ये नहीं ये लेंगे। ओके, थोड़ा एडजेसेंट नहीं, जो बिल्कुल नीचे है वो नहीं, एक भाद वाला ऐसे प्ले करते हैं सारे, और फिर यहाँ पे ग सारे ग म, और ये आप देखें तो ये इसमें साउंड नहीं है। ओके, इसमें साउंड नहीं है, तो यहाँ से ए ये और ये इसमें साउंड नहीं है। सारे ग म प ध म प ध, फिर नी के लिए इसके नीचे ये नहीं ये वाला नी सा सा धनी सा धनी सा, और इसमें साउंड नहीं है। ओके, इसी आधार पर ये दिया गया है। ओके, सारे ग म प ध नी सा 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 नी ध प म ग रे सा। ओके, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से, और ये तो है लगातार उस तरीके से, ऊपर भी ऐसा ही है। ओके, ये जो है सी है और ये सी शार्प है। ओके, सारे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा, ये हुआ सरगम। इसके ऊपर है सॉन्ग सुना दूं, ताकि अगर आप सॉन्ग को देखेंगे बजता हुआ तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि ये जो है आसान है, सॉन्ग बनाए जा सकते हैं या प्ले किए जा सकते हैं।
ओके तो इसको प्ले करते हैं, प्ले करके आपको सुनाता हूँ। इसको म्यूट कर दिया और म्यूजिक को भी ऑन कर लेते हैं, यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये एक सॉन्ग था। उसके बाद चलिए मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, और वो चीज़ ये है कि जब आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से आप नोट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने C3 को सिलेक्ट किया हुआ है ना, तो ये बेस नोट रूट नोट C3 है, और यहाँ पे जब आप प्लेस करेंगे जेड को तो ये C3 प्ले हो रहा है। ओके C3। जब यहाँ पे रूट नोट को C4 सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या प्ले होगा, C4 प्ले होगा। ओके ये रूट नोट C3 दिखा रहा है, बट एक्चुअली हमारा C4 हो चुका है। ओके और फिर अगर हम बेस नोट C5 सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, C5 प्ले होगा। ओके सेम बटन से। ओके तो चलिए अभी मैं फ़िलहाल C3 ही सेलेक्ट कर रख देता हूँ। और एक बात, अगर कोई सॉन्ग आपको इसमें ना आए तो आप किसी भी नोट को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें ये ऑप्शन है। सपोज़ ये जो सॉन्ग है ये उल्टा चलेगा, मतलब अगर हम इधर आएंगे तो नोट को लो होना चाहिए बट ये हाई हो जाएगा। तो आपको एग्जांपल देने से अच्छा समझ में आएगा। सपोज़ ये C3 है तो मैं इसे प्रेस करता हूँ तो ये C3 का साउंड है। ओके ये C3 रूट नोट है। ओके C3 का साउंड ऐसा है। जेड को मैं प्रेस कर रहा हूँ तो जेड प्रेस करने से इस तरह से प्ले हो रहा है। अभी मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया C2 के ऊपर। ओके तो रूट नोट क्या हो गया, C2 हो गया। तो अभी मैं जेड को प्रेस करूँगा, मैं लो की तरफ आया हूँ बट साउंड जो है वो हाई हो गया, पिच हाई हो गया। ओके फिर C1 को करूँगा तो पिच और हाई हो जाएगा और रूट नोट भी C1 हो जाएगा। ओके ओके और फिर मैं C0 को अगर करूँगा तो ये और भी हाई हो जाएगा। तो मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ बट नोट हाई हो रहे हैं। तो इस तरह से आप स्केल को शिफ्ट कर ले सकते हैं जहाँ भी चाहिए। ओके अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये लो हो जाएगा और नीचे की तरफ आएंगे तो ये हाई हो जाएगा। जैसे अभी हाई हो गया, फिर ऊपर की तरफ चलते हैं ओके तो जितना ऊपर की तरफ जाते रहेंगे ये और लो होता जाएगा। ओके तो ये एक बात थी जो इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से बजाते हैं इसको, तो उसके लिए इसका स्केल को थोड़ा हाई करना पड़ेगा। तो हाई के लिए नीचे जाएंगे, इस तरीके से बना ले सकते हैं। और एक और डेमो सॉन्ग, यहाँ से पियानो ले सकते हैं और इसकी जो है रेंज को या यहाँ ले सकते हैं। Thank you.
कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसका इस तरीके का साउंड हो, जैसे फ्लूट या फ्री एक्सेसुलेटर, उसमें आप सेटिंग में अगर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप मोनो को अगर इनेबल कर दें तो इसमें पॉलीफोनिक के जो फंक्शंस हैं वो आ जाते हैं और ये अच्छे लगते हैं। एक एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बता दी। और यहाँ पे मैंने बीट बनाई है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करके कोई सपोज मैशअप जैसा कोई सॉन्ग बनाना चाहते हैं तो टेम्पो के ऊपर राइट कर क्लिक करके मैंने क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप किया है, और उसके बाद ये क्लिप जो आया है इसको ऊपर नीचे करके थोड़ा स्पीड को वेरी किया है, तो ये हर जगह पे आपको अलग अलग स्पीड है। इससे स्पीड डाउन हो रहा है, एक बात मैंने आपको बता दी कि इस तरीके से आप स्पीड के ऊपर ऑटोमेशन कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों बेसिकली, और इसमें आप बहुत सारे सॉन्ग बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो चलिए और एक एग्जांपल देते हैं आपको ये वाला सॉन्ग से। और कोई सॉन्ग मेरे पास, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम किसी भी सॉन्ग को आसानी से इस पर कर सकते हैं। ओके, तो ये पियानो ले लेता हूँ यहाँ से, और अगर हाई स्केल में करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे जाके और नीचे की तरफ आना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ये एफ है, तो यहाँ पे एफ को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये था दोस्तों। इस तरीके से आप बजा सकते हैं बहुत सारे धुनों को और प्ले कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का ट्यूटोरियल। मुझे उम्मीद है कि आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल्स, हमारा चैनल पसंद आता है तो
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, और मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ एप्पल स्टूडियो के ऊपर। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।